हेलो फ्रेंड, मैं योगिता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल योगिताज किचन में। आज मैं लाई हूँ बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी रेसिपी चिली पनीर की। तो चिली पनीर की रेसिपी को जानने के लिए आप मेरा वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए हम बनाते हैं चिली पनीर। चिली पनीर बनाने के लिए हमने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। एक बड़ा साइज का शिमला मिर्च लिया है, इसको हमने डाइस में काट लिया है। एक बड़ा साइज का प्याज लिया है, इसको भी हमने डाइस में काट लिया है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको छील के ग्रेट कर लिया है हमने। तीन लहसुन की कलियाँ ली है, इसको भी बारीक काट ली है। तीन हरी मिर्च ली है, इसको भी बारीक काट। तीन चम्मच हमने मैदा लिया है। दो चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको पानी में घोल लिया है। दो चम्मच हमने रेड चिली सॉस लिया हुआ है। आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है। एक चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। दो चम्मच हमने डार्क सोया सॉस लिया है। दो चम्मच हमने टमाटो सॉस लिया हुआ है। एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया हुआ है। एक चम्मच नमक लिया है, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। आधा चम्मच विनेगर लिया है। सबसे पहले हमने एक पॉट में दो चम्मच हम मैदा डाल देंगे। जो कॉर्नफ्लोर का हमने घोल बनाया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें हम और एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। देखिए हमने इस तरह का बैटर बना लिया, इस तरह की कंसिस्टेंसी के साथ। अब हम इसमें पनीर को कोट कर लेंगे, जो हमने पनीर क्यूब्स में काटे थे। थोड़े थोड़े पनीर डालकर हम कोट करेंगे। इस तरह से सारे पनीर कोट कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे पनीर को कोट कर लिया है। पनीर को तलने के लिए हमने पहले ही पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें पनीर को फ्राई करेंगे। इस तरह से हम एक एक पनीर डाल देंगे और सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम फ्लेम को हाई रखेंगे, लो फ्लेम पे नहीं तलेंगे। ये देखिए हमने सारे पनीर डाल दिए हैं, अब हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए तल लेंगे। ये देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं पनीर, अभी और तलेंगे इन्हें। ये देखिए हमारे पनीर तल चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। साइड से टिका के इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे और सारे पनीर निकाल लेंगे हम। ये देखिए हमने सारे पनीर तल के निकाल लिए हैं, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमने उसी कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो गया है, अब हम अदरक डाल देंगे सबसे पहले, लहसुन भी डाल देंगे और एक दो सेकंड के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और हरी मिर्च का कच्चापन खत्म होने तक के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं और शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे और इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे हम एक दो मिनट के लिए। हमने इसे दो मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसमें सारे सॉस ऐड कर देंगे। हम सबसे पहले सोया सॉस डाल देंगे, हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे, टमेटो सॉस भी डाल देंगे, रेड चिली सॉस भी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे, हमने विनेगर भी ऐड कर दिया है, नमक भी डाल देंगे। आप ध्यान रखिए सॉस में भी नमक होता है, इसलिए आप ध्यान से नमक डालिए। अब हम इसे मिला लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है इसे हमने। हमने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है और उसमें पानी मिक्स करके इसको अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास जो पनीर कोट किया था अगर वो बैटर बचा हुआ तो आप उसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे यहाँ पर और चला लेंगे और 2 मिनट के लिए हम ग्रेवी को पकने देंगे। देखिए हमारी ग्रेवी पक रही है,
हमने पूरी ग्रेवी बनाने में एक गिलास पानी ऐड किया है। अगर आपको ग्रेवी वाला चीनी पनीर बनाना है तो आप इसमें 1.5 से 2 गिलास करीब पानी ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी को पकने देंगे हम थोड़ी देर के लिए। ये देखिए ग्रेवी पक गई है, अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे और कुछ देर के लिए पनीर को इसमें चला लेंगे। हम 2 से 3 मिनट के लिए पनीर को पका लेंगे। ये देखिए हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर बनकर तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसे सर्व कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल करके मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए एकदम रेस्टोरेंट जैसा चिली पनीर ड्राई बनकर के तैयार है। अगर आपको मेरे चिली पनीर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।